नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT ने यह कंफर्म कर दिया है कि NCERT टेक्स्ट बुक में भारत और इंडिया का उपयोग किया जाएगा जैसा कि देश के संविधान में है। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर भारत वर्सेस इंडिया की अलग ही जंग देखने को मिल रही है। भारत बनाम इंडिया को लेकर सबसे पहले योगी सतगुरु जग्गी वासुदेव ने अपनी एक्स पोस्ट पर कुछ पोस्ट किया जिसको लेकर अब जंग छिड़ गई है और इस जंग में ध्रुव राठी और गौरव तनेजा हैं। बता दें कि ध्रुव राठी यूट्यूबर हैं और गौरव तनेजा भी यूट्यूबर हैं। गौरव तनेजा ने सोशल मीडिया पर ध्रुव राठी की क्लास लगाई। यूं तो ध्रुव राठी और गौरव तनेजा को कौन नहीं जानता, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी पोस्ट पर दोनों भिड़े हैं, आइए जानते हैं। दरअसल एक्स पर NCERT बयान वाले पोस्ट पर सतगुरु ने रिपोस्ट करते हुए कहा कि हमें अंग्रेजों के देश छोड़कर जाने के बाद ही अपना नाम भारत लेना चाहिए था। नाम ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि देश का नाम इस तरह रखा जाए कि वह सभी के दिलों में गूंजे। उन्होंने आगे लिखा कि भले ही राष्ट्र हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन भारत शब्द का कोई मतलब नहीं है। अगर हम आधिकारिक तौर पर राष्ट्र का नाम नहीं बदल रहे तो अब समय आ गया है कि हम कम से कम भारत को अपनी दैनिक बोलचाल में शामिल करें। युवा पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि भारत का अस्तित्व इंडिया के जन्म से बहुत पहले से है। वहीं सतगुरु जग्गी वासुदेव के इस पोस्ट पर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कुछ ऐसा लिखा जो विवाद का कारण बन गया। ध्रुव ने रिप्लाई करते हुए इसे देश विरोधी एजेंडा करार दिया। ध्रुव राठी ने लिखा कि क्या आप अपने भारत विरोधी एजेंडे पर लगाम लगा सकते हैं जगदीश वासुदेव? सब जानते हैं कि हमारे संविधान में इंडिया और भारत दोनों लिखा है, लेकिन सिर्फ राजनीति के लिए आप फूट डालो और राज करो का गंदा खेल खेल रहे हैं। इसके बाद यूट्यूबर गौरव तनेजा ने निशाना साधते हुए लिखा कि इंटरनेट पर अलग अलग राय क्यों नहीं दे सकती? कुछ विदेशी लोग इंटरनेट पर सभी सामग्री को नियंत्रित करना क्यों चाहते हैं? इसी के साथ गौरव तनेजा ने अपनी पोस्ट को तानाशाह हैशटैग के साथ पूरा किया। ध्रुव राठी ने गौरव तनेजा को जवाब देते हुए लिखा कि कोई भी विवाद आपको खत्म होते करियर को नहीं बचा सकता, यहाँ तक कि आपके बच्चों का ड्रामा के लिए शोषण भी नहीं। आपको इसके लिए मूल्यवान कंटेंट बनाना होगा। अगर आपको मदद की जरूरत है तो मैं आपको अपना यूट्यूब ब्लूप्रिंट कोर्स सुझा सकता हूँ, शुभकामनाएं। इस तरह से दोनों के बीच जुबानी जंग जारी है। बता दें कि भारत बनाम इंडिया की बहस तब शुरू हुई है जब दुनिया भर के नेताओं को भेजे गए G20 आमंत्रणों को इंडिया के राष्ट्रपति के बजाय भारत के राष्ट्रपति से संबोधित किया गया। इसके बाद नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेम प्लेट पर भी इंडिया के बजाय भारत लिखा हुआ था।